जयपुर में घनश्याम तिवाड़ी का कांग्रेस में जाने का साइड इफेक्ट दिखाई दिया। जी हां, भारत वाहिनी पार्टी जयपुर की टीम आज करेगी भाजपा में वापसी। भारत वाहिनी के शहर अध्यक्ष विमल अग्रवाल के नेतृत्व में ज्वाइन करेंगे भाजपा। करीब 100 से भी अधिक पदाधिकारी और कार्यकर्ता ज्वाइन करेंगे भाजपा। दोपहर 1 बजे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी ज्वाइन करवाएंगे इन सभी को भाजपा। घनश्याम तिवाड़ी का कांग्रेस में जाने का साइड इफेक्ट आप साफ तौर पर देख सकते हैं। भारत वाहिनी पार्टी जयपुर की आज करेगी भाजपा में वापसी। भारत वाहिनी के शहर अध्यक्ष विमल अग्रवाल के नेतृत्व में ये सभी भाजपा एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे और करीब 100 से अधिक पदाधिकारी और कार्यकर्ता ज्वाइन करेंगे भाजपा। दोपहर 1 बजे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी इन सभी कार्यकर्ताओं को, इन सभी पदाधिकारियों को भाजपा ज्वाइन करवाएंगे। घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस में जाने का साइड इफेक्ट आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारत वाहिनी के अब अध्यक्ष और भारत वाहिनी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाजपा ज्वाइन करेंगे। दोपहर 1 बजे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी इन सभी को भाजपा ज्वाइन करवाएंगे। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए एवन संवाददाता पिंटू सिंह नरुका हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। पिंटू, जिस तरह से कुछ दिन पहले घनश्याम तिवाड़ी से आपने बात की थी, विचारधाराओं की आपने बात की थी कि कांग्रेस की विचारधारा से अब वो प्रभावित है, लेकिन जिस तरह से साइड इफेक्ट देख सकते हो आप कि अब भारत वाहिनी पार्टी के 100 से भी अधिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी वापस भाजपा ज्वाइन करेंगे, क्या कुछ जानकारी है? देखिए ज्योति, आपको इस चीज की जानकारी होगी कि घनश्याम तिवाड़ी भाजपा के कद्दावर नेता रहे थे और जब उनकी भाजपा से जब विचारधारा नहीं मिल रही थी और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई बीजेपी छोड़कर, उस दौरान जो उनके समर्थक थे, जो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे और उनके साथ भारत वाहिनी पार्टी के सदस्य बन गए थे, काफी हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे जो उनसे प्रभावित थे तिवाड़ी जी से, वो भी उनके साथ पार्टी छोड़कर भारत वाहिनी पार्टी में चले गए थे। लेकिन भारत वाहिनी पार्टी जो थी उसका सिद्धांत कहीं ना कहीं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को लेकर चलते थे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। तिवारी भले ही अपनी अलग पार्टी बनाए थे लेकिन कहीं ना कहीं जो आदत थे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को लेकर चलते थे और ये माना जाता था कि इस पार्टी और उस पार्टी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है और क्योंकि विचारधारा दोनों की एक सी लगती थी, क्योंकि बीजेपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर विचारधारा पर चलती थी और घनश्याम तिवारी जी भी। तो जब उनके कुछ वैचारिक मतभेद मुख्यमंत्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी या बीजेपी की जो अभी वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे है, उनसे उनकी जब नहीं बनती थी उन्होंने अलग पार्टी बना ली। उस दौरान कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता भी उनके साथ जुड़े। अब जब घनश्याम तिवाड़ी जी जब विधानसभा चुनाव हार गए और जब उनकी पार्टी को कुछ ज्यादा मत यहाँ पर नहीं मिला तो उन्होंने कल कांग्रेस का दामन थाम लिया। ऐसे में जो कार्यकर्ता बीजेपी छोड़कर घनश्याम तिवाड़ी के साथ भारत वाहिनी पार्टी में गए थे वो इस तिवाड़ी जी के फैसले से काफी खफा है और जिन भी जो भी जयपुर शहर के और तमाम जो भारत वाहिनी पार्टी के पदाधिकारी हैं जो पार्टी छोड़कर गए थे घनश्याम तिवाड़ी के लिए, वो अब वापस बीजेपी में घर वापसी करेंगे क्योंकि उनका मानना है कि हमारी जो विचारधारा है वो कांग्रेस के खिलाफ है और हम तिवाड़ी जी के इस फैसले के साथ नहीं है, इसलिए हम फिर से बीजेपी में शामिल होंगे। तो आज करीब दोपहर 2 बजे के लगभग जो सैकड़ों पदाधिकारी वर्तमान में जो भारत वाहिनी पार्टी के शहर अध्यक्ष विमल अग्रवाल उनके नेतृत्व में आज वो बीजेपी की फिर से सदस्यता ग्रहण करेंगे और प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी उनको फिर से भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। जी जो जी पिंटू, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।